नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंगल। आज हम आपके बीच में, हमारे जो मेहमान हैं वो इस तरीके के मेहमान हैं जो कि हम उनको आपके साथ बात कराने के लिए हमारी बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान होने के बावजूद वो एक डॉक्टर हैं, वो भी नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर। किस तरीके से नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करते हुए आज कोरोना काल में हम उनके साथ जुड़ रहे हैं कि किस तरीके से हम आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मिलिए हमारे साथ डॉक्टर बबीता सिंह बैंस, जो मध्य प्रदेश से हैं। मैं उनके पास आप को लेकर जा रही हूँ। डॉक्टर बबीता जी, नमस्कार। नमस्कार। लगभग आपको हमारे साथ के लोग तो पहचानते ही हैं, क्योंकि आप हंसते हंसते लोगों का इलाज करती हैं। अभी भी आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। तो अभी कोरोना काल आपका पीरियड जो चल रहा था जी, सभी लोगों के लिए बहुत कठिन था जी। हाँ, तो आपने उसको कैसे बिताया? हमें तो लगा नहीं कि कोरोना है करके। मतलब कैसे बिताया आपने? मस्त एंजॉय करके। क्या 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 आप एंजॉय कर रही थी? बस घर में कुछ मस्तियाँ बनाना, खाना, कुछ अपने काम, फिर जो बीच में पेशेंट याद करते थे उनको ट्रीटमेंट देना, ये सब करते थे। आप मिल नहीं पा रहे थे लॉकडाउन में, तो किस तरीके से उनको आप ट्रीटमेंट दे रहे थे? कई पेशेंटों को तो मैंने एक्सरसाइज ही बता दिया। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, घर में काम करने से सर्वेंट नहीं आ रही है, तो हमने उन्हें एक्सरसाइज बताई कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, और उसकी वीडियो बना के और पेशेंट के यहाँ पहुँचा दी। पेशेंट ने उसको यूज़ किया और दूसरे दिन मुझे बहुत सारा थैंक्स पहुँचाया कि मेरा बिल्कुल हाथ ठीक हो गया है और मैं अभी इसी को करते जा रही हूँ और अपने काम भी करते जा रही हूँ। अच्छा, तो ये कुछ आपने जैसे लॉकडाउन में बहुत टाइम उससे पहले आपके पास हमें पता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता था। जी 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 जी, तो जी, आपने लॉकडाउन में कुछ नया सीखा या कुछ ऐसा कुछ महसूस किया, वो मतलब कुछ अपने शब्दों में बताइए। हाँ जी, देखिए नया तो ये है कि सभी जब हम काम करते हैं तब भी नया रहता है, कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। तो अभी जैसे कि कोरोना काल में जो कोरोना डिजीज़ है, तो वो मुझे ये फील हुआ कि वो एक तरह के जैसे कि निमोनिया होता है। अच्छा। तो वो निमोनिया ही है एक तरह से, और जिस तरह से कि निमोनिया डबल निमोनिया के रूप में हो जाता है। अच्छा। और लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसके कारण। तो सेम उसी तरह से कुछ महसूस हुआ लोगों के बातों से सुनने से। तो जब मैंने उसको कुछ मेरे पुराने क्लाइंट थे तो उन्होंने मुझे पूछा और मैंने उनसे बातचीत की, तो मेरे घर के पास में जो क्लाइंट थे उनको मैंने ट्रीटमेंट भी दिया इस सब्जेक्ट पे कि भाई, वो बोले कि मेरे को पहले से ब्रोंकाइटिस है, तो मेरे को अभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जाके उनके जो मेरे नेचुरल पहले से जो पॉइंट्स प्रेस करती थी, जैसे कि लंग्स के, लीवर के, और नली श्वास नलिका के, अदर और भी ऑर्गेंस के, तो उस पेशेंट को तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यानी कि उसको यही नहीं महसूस हुआ कि मुझे सांस लेने में, तो उसमें ये नहीं कि कुछ कोरोना हुआ होगा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ उसको, ना फीवर ना कुछ। तो ये चीज़ें एक्यूप्रेशर के द्वारा या कलर थेरेपी के द्वारा या अदर और थेरेपीज जो हमारी हैं उनके द्वारा हम लोग ठीक कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, जैसे कि किसी का गला फंस रहा था कि बोले हमारा गले में हमको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, हाँ, तो हमने ये कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा स्टीम ले लीजिए, भाप के द्वारा आप अपने आप को वो कर सकते हैं। दूसरा, आप सीतोफल आदि चूर्ण ले लीजिए, इससे भी क्या है गला खुल जाता है। अगर यह भी नहीं मिलता है तो आप अपने घर में काली मिर्च होती है, लौंग होती है, इसको थोड़ा सा हल्का सा भून के और उसी को चबाना शुरू कर दे, तो आपके गले में जो कफ जमा है वो भी निकल जाएगा। सिर्फ वो कफ जम जाता है जिसके कारण श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कफ को लूज़ कर दो, वो निकल जाएगा, या फिर कोई ऑयल लगा के सिकाई कर लो,
तो वो कफ अपने आप निकल जाएगा। अब एकदम से कोई घबरा जाता कि अब, क्योंकि देखिए मीडिया वालों ने भी थोड़ा सा इसको बहुत ओवर कर दिया, कोरोना 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 एकदम हाईलाइट इतना ज़्यादा कि लोग बच्चा बच्चा उस शब्द से भी डरने लगा है। तो मैं तो ये कुछ लोगों की हाँ, हो गई तो उसके कारण डर गए तो, नहीं तो देखिए डेथ ऐसे हुई है कि जिनको रियली में कोई प्रॉब्लम थी। देखो आप अभी जिनको सही में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और ओल्ड एज हैं, या अगर यंग एज भी हैं और उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी डिजीज होती है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस, ऑलरेडी पहले से ही सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम होती है उनकी डेथ ज़्यादा हुई होंगी। एक्चुअली लोग ज़्यादातर जैसे आसान तरीका अपनाना चाहते हैं, कोई भी बीमारी होती है एलोपैथी की तरफ लोग भागते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और आपकी जो थेरेपी है उसके लिए बहुत कम लोग रिस्क लेना चाहते हैं। जी जी जी। तो अभी आप क्या कहते हैं ये जो यात्रा आपने एक्यूप्रेशर और ये सब आपके कब से शुरू हुई, किस उम्र से आपने शुरू की? देखिए मैं तो बहुत छोटी थी, कम से कम मैं 7-8 साल की, 6-7 साल की थी, तब से मेरे मदर फादर ये इस लाइन में थे। एलोपैथी में मदर थी और पापा को पहले से, पापा कुछ वेदों का अध्ययन करते रहते थे, पापा हमारे फादर हमारे, तो उन्होंने एक्यूप्रेशर के विषय में मुझे बचपन में भी बताया था कि बेटा ये पॉइंट ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, कुछ ऐसे थेरेपीज बताते रहते थे कि इसके द्वारा आपको ये बीमारियां नहीं होंगी, ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कुछ मुद्राएं भी हमको उन्हें बचपन में बताए थे। अच्छा, हाँ जी, एक दो मुद्रा बताइए आप किस तरीके से, क्या बेनिफिट होता है? हाँ जी, अब जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बताती हूँ मैं कि वो कैसे स्ट्रांग किया जाता है। तो उसमें सबसे इजी और बहुत ही सरल मुद्रा है जिसको हम बोलते हैं प्राण मुद्रा, जो कि स्मॉल फिंगर और उसके साइड वाली फिंगर को यूज़ करके और अंगूठे को, तो तीनों को मिला के और बनाई जाती है। देखिए इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी पर्सन ने, किसी भी शख्स ने इसको, इस प्राण मुद्रा को 45 मिनट समथिंग या 40 मिनट समथिंग कर लिया, एक घंटा भी कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, है ना? तो यह करने से रोज़ अगर करे बंदा तो वो एकदम उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, उसको कोई बीमारी, अरे ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं, कोई भी वायरल उसके पास भी नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ जी, और उसको श्वास लेने में आप जो भी, अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो वो ट्रायल भी कर सकते हैं कि उसको 5-10 मिनट के बाद से ही फर्क शुरू हो जाएगा बॉडी में जी। क्योंकि मैंने ये एक आंटी को बताया था, वो 80 साल के पार हो चुकी हैं, तो वो बोले कि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा, तो मैंने बोला आप ये प्राण मुद्रा करिए। बोले नींद नहीं आती है मुझे कुछ दिनों से, तो मैंने कहा प्राण मुद्रा करिए। तो बस मैं उनकी बेटी को ट्रीटमेंट दे रही थी तो उन्होंने प्राण मुद्रा की और 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा और उनको इतनी प्यारी नींद आ गई कि कह नहीं सकते। तो इसका ये बेनिफिट है, हर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होते जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, यानी प्राण वायु का संचार होने लगेगा शरीर में। ऐसा क्यों होता है कि भाई हम मुद्राएं लगाते हैं तो हमारी फिंगर में कोई पावर होगी तभी तो हमारे जी को... हाँ, देखिए हमारे जितने हमारे 5 तत्व से बना हुआ है हमारा शरीर जी, है ना? तो यही तत्वों को हम लोग उपयोग में लाते हैं तब ये शरीर में उसी तरह से वायु संचार और प्राण संचार और श्वासों का चलना रुकना ये सब होता है। तो ये मुद्राएं तो कृष्ण जी भी करा करते थे, उनके नृत्य में तो सारी मुद्राएं मुद्राएं थीं, तो ये तो बहुत कीमती चीज़ है। और जो क्या बोलते हैं, इन्होंने नृत्य किया हुआ था ना, नटराज नृत्य, इसमें भी मुद्राओं का ही खेल था, गोपियों के साथ वो जो इतने घंटों से नृत्य करते थे तो ये मुद्राओं का खेल था, गोपियाँ सब थक जाती थी और कृष्ण जी जब मुद्रा बनाते थे अपने ऐसे ऐसे करके तब वो गोपियाँ वैसा करती थी तो वो पूरी रिलैक्स हो जाती थी। अच्छा। थकती नहीं थी। मैंने सुना है कि आपने
एक्यूप्रेशर और अपने थेरेपी से जी कई क्लिष्ट बीमारियों को ठीक किया है। जी जी जी। लेकिन क्या कहते हैं, आज का जो विज्ञान है उसको बहुत कम मानता है। जी जी जी। तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आपने कौन सी कोशिश की है? देखिए, ज़्यादातर तो जिन पेशेंटों ने को हमने ठीक किए हैं तो वो अपनी माउथ पब्लिसिटी से ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किए, और हमने अभी कोई पर्चे नहीं छोड़े, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बैनर नहीं लगा है। और हमने हमारा रजिस्ट्रेशन है, एक तो अपने जहाँ से जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं उस राज्य का भी पूरा रजिस्ट्रेशन है, हमारी सोसाइटी है, और फिर इंटरनेशनल सोसाइटी भी है जो दिल्ली से हमारी सोसाइटी है, तो उसमें भी हम क्या बोलते एक सदस्य हैं, मेंबर हैं। तो हमारा काम जैसे कि आप लकवा वाला पेशेंट ले लीजिए, आप डायबिटीज़ वाला पेशेंट ले लीजिए। लकवा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान। जी जी जी। तो अगर किसी को अगर बायदी में लकवा हो जी और वो आपके साथ मतलब बात नहीं कर पा रहा जी, तो उसको इमीडिएटली कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए? देखिए, उसको तो क्योंकि बीपी हाई होने से लकवा होता है। अच्छा। ठीक है, तो मानसिक तौर पे दिक्कत आती है। जी हाँ जी हाँ। तो उसको नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले तो जो भी है फर्स्ट एड दे दो घर में ही पेशेंट के। देखो, डॉक्टर के पास कब जाएगा क्या होगा, तो आप बीपी को नॉर्मल करने की कंडीशन में रहना चाहिए। अच्छा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है और उसकी स्मॉल फिंगर होती है, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, अच्छा। सबसे लास्ट वाली जो स्मॉल फिंगर होती है उसको इस तरह से पकड़ते, क्योंकि देखिए बीपी का एक पॉइंट होता है इस फिंगर के पीछे साइड में, अच्छा। नाखून के पास में, तो इसको पकड़ के इस तरह से प्रेशर देना, क्योंकि मेन पॉइंट जी जी जी, अच्छा। ट्विस्ट करके फोल्ड करके और इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको ट्विस्ट करना है, अच्छा। है तो क्योंकि एक पॉइंट तो आपको मिलना नहीं है, तो उसको इस तरह से प्रेशर देते रहेंगे तो मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेगा और उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, जैसे किसी को अगर लकवा हो जाता है उसके परिवार के लोगों का भी एकदम हौसला टूट जाता है, जी जी जी, तो उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? देखिए, उन लोगों को घबराना नहीं चाहिए, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से बात कर लेना चाहिए, और अपने पेशेंट को बीपी का तो सबसे पहले यही करें कि बीपी नॉर्मल करने की कंडीशन में लाएं, जो फिर बाद में हल्की सी जो भी मसाज वगैरह अगर कर सकते हैं तो तुरंत मसाज चालू कर दें। जिसको प्रेशर पॉइंट और ये एक्यूपंचर पता होता है जी, वो उसको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और काफी बारी जी जी जी, वो एक अलग मतलब नॉलेज वाली बात है जी, मतलब थ्योरी पढ़कर कोई उसको नहीं कर पाता जी, उसे प्रैक्टिस करके ही आता है जी। तो लगभग कितने वर्ष हो गए आपको प्रैक्टिस करते? देखिए, मुझे तो 25 ओल्ड ईयर हो गए हैं जब से मैंने सीखा है और कर रही हूं। जी हाँ, वेरी गुड। तो आप कोई ऐसी चीज जी जो समाज में आप चाहती हैं हृदय से जी कि भाई इस थेरेपी को बढ़ाया जाए जी, तो आप क्या कहना चाहती हैं? आज आपको सब लोग देख रहे हैं जी। मैं ये चाहती हूँ, देखिए एक तो देख जो कुछ ऐसी फैमिली हैं जो MBBS डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, ठीक है, और हम लोग को तो वैसे थेरेपिस्ट बोला जाता है, बट डॉक्टर का सेंस ये होता है कि जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो उसको डॉक्टर बोला जाता है। तो हमने तो देखिए कैंसर में भी हमने जीता है, यही दिल्ली में है वो पेशेंट हमारे पास, और लकवा पेशेंट में मैं स्पेशली दिल्ली आई हुई थी MP से लकवा पेशेंट के लिए, और ऐसी भी और भी डिजीज़ें हैं जिनको हमने अपनी थेरेपी के द्वारा ही ठीक किया है। अच्छा। हाँ जी, आपसे बात करते हुए जी एक चीज का बड़ा अच्छा मतलब खुलासा हुआ जी कि आप प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जी हाँ अगर जी उसका बच्चा टेढ़ा हो जाता है जी, तो आप दूर से भी जी हाँ हीलिंग करके उसको सीधा कर, बिल्कुल 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 आई श्योर। देखिए, ये तो एक पहले भी हुआ करता था कि किसी को कोई वैद्य अगर दूर से ही उस महिला को छूते नहीं थे और ठीक कर देते थे, तो ये हीलिंग पावर होता है। तो मैंने स्माइल मेडिटेशन किया हुआ है MP से ही, मेरे प्रोफेसर थे मिस्टर पंकज जैन, उन्होंने मुझे कोर्स कराया हुआ था और मैंने उसी कोर्स के द्वारा मैं अपने पावर को यूज़ किया। तो मैं यहाँ बैठे बैठे मैंने भोपाल में एक लेडी को उसका बच्चा हिल नहीं रहा था, उसको मैंने हिल किया
और वो उसका बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर ने उसको कहा था कि सिजेरियन करना पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल उसकी डिलीवरी हो गई। अच्छा। हाँ जी, ये उसको सारी कंडीशन हमने बताते गए, उसने हमसे सजेशन लेते रहे और हम इसे सजेस्ट करते रहे, तो वो उसकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। और आप किस किस तरीके की हीलिंग कर लेती हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो भाई यहाँ से बैठे बैठे किसी के गले में, एक लेडी थी उसको गला बढ़ रहा था, यानी कुछ हिंदी में बोलेंगे तो, या उसको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो घेंगा रोग बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उसके पूरा गला लटकने लगा था, तो उसको उसको मैं यहाँ से बैठे बैठे छिंदवाड़ा में हील करती थी, यानी एमपी में। तो ये दिल्ली और छिंदवाड़ा का डिस्टेंस तो 1100-1200 किलोमीटर है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, आपको अभी पटियाला से एक महाराज जी हैं वैष्णवी महंत, हाँ जी, हमारे गुरु जी भी हैं वो, जी, तो वो भी आपको मतलब देख रहे हैं। हाँ जी, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। हाँ जी, और विश्व गुरु भारत में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ। तो अभी हमने ये सुना है कि आप अयोध्या में जाके, जी, अभी अगस्त में, जी, नेचुरोपैथी का कुछ करना चाह रहे हैं। जी, तो आप किस तरीके से गांव के लोगों को अपनी तरफ जोड़ेंगे कि भाई आप जुड़ो, और क्या कहते हैं, और आपकी ये जो थेरेपी है, जी, लोग इसको किस तरीके से अपनाएं और सीखें? जी 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 जी, इसके लिए आपने कोई कोर्स तैयार किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें देखिए सबसे पहले तो बेसिक कोर्स कराए जाते हैं, और इसमें ज़्यादा खूब पढ़ाई लिखाई का भी कोई महत्व नहीं होता, कम से कम मैट्रिक पढ़ा कोई भी होगा तो वो कर सकता, और एज का भी कोई उसमें वो नहीं देता है कि उम्र इतनी ही होगी तो ही सिखाया जाएगा। इसमें तो हम जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो 70 साल का पर्सन भी हमारे साथ में, एक अंकल थे वो बेंगलोर से आए हुए थे ट्रेनिंग में, तो ये तो कोई भी ले सकता है और किसी भी उम्र में ले सकता है, और सीखने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है जी। है ना? आप बबीता जी, आप एक डॉक्टर भी हैं। हाँ जी। एक आप महिला भी हैं जी, और आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर, ये वो, तो जो महिलाएं हमें देख रही हैं, जी हाँ जी हाँ, वो अपने रसोई के साथ जी हेल्थ को कैसे जोड़ सकते हैं, कुछ एक दो टिप्स बता दीजिए। ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। देखिए, कुछ कोरोना से संबंधित मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि हमारे यहाँ पर देखिए कुछ दालचीनी होती है, काली मिर्च होती है, सौंठ होती है, और क्या बोलते तुलसी होती है, और तेजपत्र होता है, और क्या बोलते अपने कुछ हल्दी होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब सौंफ होती है, ये चीज़ें जब एकत्र करके देखें तो इसको थोड़ा 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 एक एक दो दो चुटकी डाल के और एक टी बना लीजिए, या काढ़ा भी बोल सकते हैं आप। देखिए आजकल तो टी का बहुत चलन है, काढ़ा को तो कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए हमने टी बोल दी है। विदाउट चाय पत्ती। जी हाँ, तो वो टी इसलिए हमने बोल दी है। तो उसको वन टाइम, उसको पूरा कप भर के नहीं पीने का है, उसको हाफ, यानी कि देखो तो थोड़ा सा हॉट होती है, गर्म होती है, तो इस मौसम के हिसाब से उसको कम मात्रा में पिए। जैसे एक कप बनाया है तो उसका चार भाग करके चार लोग पी सकते हैं, तो इस तरह से यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, तो अपने आप लोगों की सेहत में फ़र्क आएगा। डॉक्टर बबीता जी, भविष्य में आप क्या चाहते हैं, यदि आपको मौका मिले जी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने का, जी हॉस्पिटल बनाने का, जी तो आप एक्यूप्रेशर और ये इस थेरेपी को गांव के लोगों को सिखाना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले भी बोलती थी लोगों को और अभी भी चाहती हूँ कि ये जितने भी अगर गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, और अगर विधवा महिलाएं हैं, या कोई गांव के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इस माध्यम से भी अपना रोजी रोटी भी कमा सकते हैं ना, इन थेरेपियों को सीख कर जी। तो भाई कुछ नहीं, आप तो बहुत पॉश एरिया में दिल्ली के, आपके क्लाइंट बड़े हाई लेवल के हैं। जी हाँ। तो आप तो क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब लोग आपके ट्रीटमेंट को लाइक करते हैं। जी हाँ। और लोग विश्वास भी करते। जी हाँ। तो ये विश्वास कैसे पैदा हो, उसके लिए आप कैसा काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको खुद को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, जो लोग ये कर रहे हैं। जी हाँ, कि जो ये थेरेपी खुद हम, अगर एक मैं फॉर कोई उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि मुझे ही कुछ हुआ, मान लीजिए अटैक आया है,
और मैं अपने आप में ही दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने इलाज, अपना ट्रीटमेंट खुद अपने लिए करूं और उस हार्ट अटैक को ठीक करूं, तब तो मैं अपने आप के लिए डॉक्टर और अपने, क्योंकि ऑन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अपना खुद का विश्वास को जीतना। जब मैं अपने आपके विश्वास को जीतूंगी, तब तो दूसरों पेशेंटों को मैं ट्रीटमेंट देके उनको जीतूंगी। तो ये मेरे साथ हो चुका है, मैं मुझे 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं बहुत कम उम्र में। अच्छा। जी हाँ, कुछ मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो उससे मैं तो बहुत टेंशन में रहती थी, तो शायद उसी समय मेरा हार्ट वीक हुआ होगा, और उसके बाद फिर मैं अपने इस काम में लग गई थी। तो इत्तेफाक से फिर मैरिज हुई, तो थोड़ा सा टेंशन आ गया बीच में, उसके कारण मुझे फर्स्ट अटैक आया था, मेरा बेटा छोटा सा था। लेकिन मैं घबराई नहीं, मैंने अपने मेडिटेशन से और मेरे अपने हीलिंग पावर से और अपने थेरेपी से अपने आप को फर्स्ट क्लास स्ट्रांग बना लिया, और आज आप लोग के सामने हूँ मैं। मेरे को तो 33 एज में ही आ गया था फर्स्ट अटैक। आपका जिंदगी का सपना क्या है, जो बेहतरीन जिंदगी में हर व्यक्ति एक सपना देखता है? जी जी जी। बबीता डॉक्टर का क्या सपना है? मेरा तो एक ही सपना है कि मेरे जैसे अगर लाखों लोग हो जाएं, तो दुनिया में भी इस बड़ी बड़ी बीमारियां भी ऐसे चुटकी बजाते से ठीक होना शुरू हो जाए। मेहनती होना चाहिए परंतु सभी को, और सेवा भाव, सेवा भाव, जिसके अंदर सेवा भाव होगा वही यह काम कर सकता है। जी जी। आपको सभी लोग देख रहे हैं जी, तो सबको आप एक बारी अपनी एनर्जी से ब्लेसिंग दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैंने बीपी हाई के लिए बता दिया, मैं बीपी लो के लिए भी एक चीज़ बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कि बीपी लो को नॉर्मल करने के लिए हमारे लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, उसको उसको भी इसी तरह से प्रेशर देना है। अच्छा। हाँ जी, मतलब ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना, प्रेशर दबाव देते हुए ट्विस्ट करना है, समझ जाओ। हाँ जी, टिप पे, यानी नाखून का पूरा भाग 1 इंच का जो लेते हैं, वो पूरा लेते हुए उसको प्रेशर देना है, दबाव देना है, तो नॉर्मल हो जाएगा लो बीपी। और इसी तरह से हाई बीपी का है कि ये स्मॉल फिंगर है, बस ये मैं जरूर कहूँगी लोगों से। और युवा बच्चे जी जी, आज के डेट में उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। जी हाँ जी हाँ, बहुत चिड़चिड़ है, क्योंकि बस्ते का बोझ बढ़ता है। जी जी जी। अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो तो उसको कौन सी थेरेपी यूज करनी चाहिए? देखिए, उसके लिए तो उसके लिए तो ये मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा। अच्छा। ठीक है, वो अपने आप को ज्ञान मुद्रा के द्वारा बिल्कुल मानसिक संतुलन को नॉर्मल कर सकता है। दूसरा, ज्ञान मुद्रा जब अगर वो करे तो उसको ओम का उच्चारण करना शुरू कर दे। अच्छा। वो थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको डिप्रेशन में जाने वाला भी बंदा ठीक हो जाता है इससे। छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं जी, उनको जैसे काढ़ा वाढ़ा तो टेस्टी लगता नहीं। हाँ जी। तो उनकी हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए माए क्या करें? माओ को थोड़ा सा ये है कि उनके बीच बीच में बैठे बैठे, देखिए मैं ये चाहूँगी कि कुछ कलर थेरेपी भी होती हैं। अच्छा। तो हम बच्चों के लिए ही मैं बता देती हूँ कि बच्चे अगर याददाश्त उनकी कमज़ोर हो रही है कि या मानसिक लेवल पे वो थोड़ा सा वीक हैं, तो हमारे ये अंगूठे पे टिप होती है, बिल्कुल दोनों हैंड पे। अच्छा। क्योंकि ब्रेन तो हमारे दोनों तरफ है ना। अच्छा। एक आदेश देने वाला है और एक आदेश को लेने वाला है। अच्छा जी। हाँ जी, तो इस ब्रेन के पॉइंटों पे हम लोग येलो कलर यानि कि पीला कलर को टिप्पे से लगा देते हैं, इस तरह से दोनों हैंड में अंगूठे पे, तो एकदम से मानसिकता नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, याददाश्त मजबूत होने लगती है, इवन आंखों की रोशनी में भी फर्क आता है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर बबीता जी, आप सबको ब्लेसिंग दे दीजिए, क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके। सभी लोग आपको मतलब और भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते जी। हैं, तो जल्द ही हम आपसे एक नई थेरेपी पे मिलेंगे जी। ओके। साथियों, डॉक्टर बबीता जी आपको अभी ब्लेसिंग दे रही हैं और हीलिंग दे रही हैं। जिन लोगों को फेथ है वो इनसे हीलिंग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हीलिंग भी देती हैं। और सभी लोग स्वस्थ रहें ऐसी मनोकामना के साथ।
इस हीलिंग को देने के बाद अब हम आपसे नमस्कार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने देखा है, यदि डॉक्टर बबीता जी से मिलना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर बता दीजिए। 9821 37 81 78 78। हाँ जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9821 37 81 78 78। ओके, तो इतनी अच्छी पद्धति आप नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर का बढ़ा रही हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारी वैदिक पद्धति है ना जी, ये तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। अच्छा। जब हम धर्मशास्त्र अपने उठा के देखेंगे, वेद उठा के देखेंगे, उनमें इसकी जानकारी पूरी पूरी दी हुई है। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।